Again, I am here for one of the video of Kafka. So we were covering Kafka and we already covered like how we can create a producer using console. But in real time, we will not be using a console for creating any sort of producer or topic or consumer, anything like that. Because we need something like an application which will be responsible for creating a producer or consumer. Producer means like I will be sending some sort of messages, and consumer is like who will be consuming these messages. If I talk about a producer, I can use a event hub as well for producing some sort of events and consuming also. Like it's an alternative of Kafka. Main Hindi mein kyun nahi baat kar raha yaar, Hindi ka CD se English mein baat kar raha hu. Bahut zyada English bol diya. Abhi main yahan pe ek producer bana ke dikhata hu kis tarah se producer banate hain. तो कुछ चीजें लगभग सेम ही होगा. अब थोड़ा बहुत दिखाता हूँ किस तरह से कैसे आपको प्रोड्यूसर बनाना है. तो मैंने कुछ इम्पोर्ट्स पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, कंज्यूमर दिखाया था किस तरह से कंज्यूमर ग्रुप बनाते हैं, और तो उसमें मैंने बता दिया था किस तरह से आप कंज्यूमर बना सकते हैं. अब मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर बनाना दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो इम्पोर्ट क्या करूंगा मैं, java.util. तो मैं यहाँ पे स्काला में बना रहा हूँ. जनरली आपको ये जावा में मिलेगा, क्यों जावा पे एक लोग जावा बनाए तो बाकी सब लोग कॉपी करके जावा में बनाए जा रहे हैं. बट मुझे लगता है ऐसा कोई सेंस नहीं बनता. बेसिकली ये पेड कोर्स में भी ऐसे ही होता है कि जब मैं शुरुआत में स्टार्टिंग समय स्काला पढ़ा रहा हूँ, आखिर में जाकर मैं जावा में कर दे रहा हूँ, तो दिस डज नॉट मैटर. कुछ यार ये फिर गलत होगा ना. या तो मैं जावा से स्टार्ट करूँ, या तो मैं जावा, ऐसे भी डाटा इंजीनियरिंग जावा में रिकमेंडेबल नहीं है. स्काला में पढ़ सकते हो, आर में पढ़ सकते हो, पाइथन में पढ़ सकते हो. ये तीन लैंग्वेज इज मोस्ट रिकमेंडेबल एंड सबवॉट सिक्वल एज वेल. तो मैंने स्काला चूज किया, तो मैंने स्काला में ही एंड तक पढ़ाऊंगा. मैं बाकी लोगों की तरह जावा में स्विच नहीं कर देता. जो है तो है. जावा यूटिल्स को मैंने इम्पोर्ट कर दिया, प्रॉपर्टीज. साथ तो मैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर को भी इम्पोर्ट करूंगा. प्रोड्यूसर किस तरह से इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट org.apache.kafka.clients. डॉट प्रोड्यूसर. पिछले वाले में मैंने कंज्यूमर दिखाया था, इस बार प्रोड्यूसर कर रहा हूँ. और मैं यहाँ पे ये इस तरह से कर रहा हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट से क्या होगा ना, मैं मल्टीपल डाल सकता हूँ, ठीक है. इसे फिर मैं अलग अलग डालना पड़ता है डॉट. एक तो मैं काफ़ा प्रोड्यूसर को इम्पोर्ट करूंगा, दूसरा मैं इम्पोर्ट करने वाला हूँ प्रोड्यूसर कॉन्फिग को, तीसरा मैं इम्पोर्ट करने वाला हूँ प्रोड्यूसर रिकॉर्ड को. तो मैंने ये चीजें इम्पोर्ट कर दिया. इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ. बेसिकली मैं कॉन्स्टेंट बना रहा हूँ. वी आर नॉट रिकमेंडेबल इज इन स्काला इज कॉन्स्टेंट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स. सो वी विल बी क्रिएटिंग यूजिंग अ वैल कीवर्ड. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग अ वैर कीवर्ड देन इट विल बी अ वेरिएबल. सो इट डिपेंड्स अपॉन वॉट एवर यू आर, व्हाट्स योर लॉजिक और व्हाट इज योर सिनेरियो एट दैट मोमेंट. यू हैव टू डिसाइड. इफ आई टॉक अबाउट डेटा फ्रेम, basically I create data frame using a where keyword because data frame has an opportunity and as a facility, like I can modify the existing data frame. So if I am using a where keyword, then in that case I will not having that feature. So I would suggest go with the where in that case, otherwise go with the where basically. So these topics we have already covered in our previous videos, so I would suggest you to watch that. हिंदी में बार बार इंग्लिश में बात नहीं करना. बार बार मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ बीच बीच में. तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक नाम क्रिएट करूंगा. कोई भी टॉपिक क्रिएट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टॉपिक को डबल कोट्स के अंदर हमरा टॉपिक कुछ भी डाल दो यार. सीरियसली हमरा तुमरा कोई भी टॉपिक डाल दो. एक टॉपिक का नाम कर दिया. अब यहाँ पे नामकरण कोई भी कर दो. काफ्का प्रॉपर्टीज, आई हैव सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आई हैव टू डिफाइन हियर. वाल प्रॉप्स करूंगा इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, ये मैंने ऊपर डाल कर रखा है, ठीक है. प्रॉप्स डॉट पुट करूंगा. यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज डालनी है. प्रोड्यूसर कॉन्फिक, क्लाइंट आईडी कॉन्फिक, ये क्लाइंट आईडी कॉन्फिक डालनी है. यहाँ पे कुछ भी डाल, मैंने प्रोड्यूसर आईडी 1 डाल दिया फॉर एग्जांपल. आईएस नहीं, आईडी 1 होगा. तो इसके बाद मैं कल्ली वगैरह वगैरह डालता नहीं, सॉरी सेमीकोलन वगैरह डालता नहीं, हम नहीं करते सेमीकोलन वगैरह. अब एक और बार करूंगा प्रॉप्स डॉट पुट. अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, प्रोड्यूसर कॉन्फिक डॉट बूटस्ट्रैप सर्वर कॉन्फिक. यहाँ पे मुझे पोर्ट डालना पड़ेगा. तो बेसिकली मैं यहाँ पे दो पोर्ट डालूंगा, मतलब कि एक पे अगर नहीं चला दूसरे पे चल जाएगा. 9092 लोकल होस्ट 9093. अब एक और करना पड़ेगा मुझे, तो मैं प्रॉप्स डॉट पुट करूंगा. पुट ऑल दिखा रहा है, मुझे पुट करना है प्रोड्यूसर कॉन्फिक डॉट की सीरियलाइजर क्लास कॉन्फिक. इसमें क्या डालना है मुझे, इसको बहुत लोग अलग तरीके से करते हैं. हम जो करते हैं ना वो इस तरह से कर देते हैं, org.apache.kafka.common. ये कंज्यूमर में भी ऐसा ही था, डॉट
सीरियलाइजेशन इसके बाद चेंज होगा स्ट्रिंग सीरियलाइजर, उसमें क्या था स्ट्रिंग डी सीरियलाइजर था, यहाँ पे स्ट्रिंग सीरियलाइजर। प्रॉप्स डॉट पुट करूंगा प्रोड्यूसर कॉन्फिग डॉट वैल्यू सीरियलाइजर कॉन्फिग भी है, इसे क्या करूंगा मैं, काम करते हैं इसी कॉपी कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं यार, ज्यादा दिमाग लगाना सेहत के लिए हानिकारक है और मैं ज्यादा दिमाग लगाता हूँ भी नहीं, लगाना भी नहीं चाहिए फालतू का। अब देखो अब क्रिएट काफ्का प्रोड्यूसर को क्रिएट कर लेते हैं यार, ठीक है काफ्का प्रोड्यूसर किस तरह से क्रिएट करना है, वाल प्रोड्यूसर इक्वल टू किस तरह से न्यू काफ्का प्रोड्यूसर, इसको मैं स्ट्रिंग डालूंगा कॉमा करके फिर से स्ट्रिंग डालूंगा, कुछ लोग कुछ चीजों को इंटीजर डालते हैं कुछ लोग स्ट्रिंग डालते हैं, हम स्ट्रिंग ही डाल रहे हैं, और मैं यहाँ पे इसको प्रॉप्स कर दूंगा, ठीक है प्रोड्यूसर इस तरह से क्रिएट हो गया। अब जैसे मैंने की को इक्वल टू कर दिया मैंने इसको, ये सब ऑलरेडी मैंने बताया पिछले वाले वीडियोस में, तो अगर वो बेसिक वाले वीडियोस नहीं रिकॉर्ड किए वो रिकॉर्ड कर सकते हो, और बेसिक क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी मैंने कवर किया है, जो कि पेड कोर्स में आपको शायद ही मिले, तो वो चीजें भी आपको मिलेगी स्काला और प्राइस पार्क में भी, प्राइस पार्क में भी लोग कवर नहीं करते, पेड पे तो मिलेगा नहीं, स्काला में शायद आपको मिले। वाल वैल्यू इक्वल टू कर दिया मैंने मैसेज सेंड टू मीट, ठीक है ये मैंने कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसा। अब मुझे वाल रिकॉर्ड सेंड करना है तो वाल रिकॉर्ड करूंगा, ये मैंने वेरिएबल बना देता हूँ, कुछ लोग अलग से सेम ही कर देते हैं, मैं वेरिएबल सॉरी कॉन्स्टेंट से बना देता हूँ ताकि मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ उसका नाम जो मैसेज मुझे चेंज करना है, दैट काइंड ऑफ स्टफ। न्यू प्रोड्यूसर कर देता हूँ प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड, ये मेरे को एक स्ट्रिंग लेगा दूसरा भी स्ट्रिंग लेगा, यहाँ पे यह क्या लेगा यार, ये मेरा टॉपिक लेगा, टॉपिक ऑलरेडी ले चुका है, की लेगा और यहाँ पे वैल्यू लेगा, और कंज्यूमर के पास क्या मिलेगा सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा। क्या करूंगा प्रोड्यूसर मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, प्रोड्यूसर डॉट सेंड का एक सेंड फंक्शन होता है, इसे मैं रिकॉर्ड पास कर देता हूँ। अब जब जब सारे काम हो गए तो प्रोड्यूसर को बाय बाय भी करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर जाइए आपका काम खत्म हो गया, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा सर्वर ओपन करते हैं कुछ ऐसा, इफ यू सी मैंने सर्वर ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी सर्वर रन कर रखा हूँ, जेके सर्वर ये तो मैंने जूगीवर को ऑन कर दिया, ये देखो जूगीवर सबसे पहले जूगीवर को ऑन करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि जीके क्या करा। बाय द वे पिछले वाले वीडियोस अगर फॉलो कर रहे हो सीरीज में तो आपको शायद याद ही हो गया होगा, जेके सर्वर डॉट एस एस को स्टार्ट करते हैं जूगीवर बिन के। इसके साथ में एक और चीज को रन करूंगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आई एम गोइंग टू रन वन मोर थिंग, सो लेट मी गो लिटल बिट अप एंड हैव दिस प्रॉपर्टीज डॉट एस एस, तो ये मैं काफा फोल्डर के अंदर जाऊंगा, वहां पर बिन के अंदर ये फाइल पड़ी है सर्वर डॉट एस एस, इसको सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज दैट आई हैव टू रन इट। अब मुझे कंसोल चाहिए तो भाई कंसोल का भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है बिन, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है कंज्यूमर डॉट एस एच, सॉरी कंज्यूमर डॉट एस एच में यहाँ पे मुझे टॉपिक का नाम भरना पड़ेगा, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक कॉपी कर लेते हैं इसको, तो इसको मैं यहाँ पे पेज कर देता हूँ, और आई डोंट थिंक कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगी, और तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी गो हेयर एंड लेट मी रन दिस एप्लीकेशन सीरियसली, सो आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन एंड होप इट विल वर्क, इट विल नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनी इश्यूज एंड लेट मी रन हेयर दिस console not here guys, something else I have to do, I have to go here yaar, let me zoom a bit because it's very small, you will not be able to see what I'm typing here, so it's better to zoom a bit, फिर से मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, होप इसमें कुछ एरर नहीं आया, हाँ मैसेज सेंट सुमित, ठीक है ये यही था मेरा भाई, देखो ये बंद क्यों हो गया भाई, ये बंद हो गया इसने मैसेज सेंड कर दिया, अब मैसेज सेंड कर दिया, अब वो घर चला गया मैसेज सेंड करके, उसको जितना पैसा दिया 150 रुपया उसने अपना काम कर दिया, अब वो चला गया, अब वो वापस नहीं, वहां पे नहीं रुकेगा नहीं, तो मैंने मैसेज सेंड सुमित डाल दिया था वहां पे इस तरह से। तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, हो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना पड़ेगा आपको बताइए यार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे फटाक से मैंने प्रोड्यूसर की ये जो कुछ ऐसे पॉप्स चला यहाँ पे सेम था कंज्यूमर जैसा ही, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, डिसीरियलाइज जगह पे स्ट्रिंग डिसीरियलाइज स्ट्रिंग सीरियलाइजर हुआ, प्रोड्यूसर कॉन्फिग की जगह कंज्यूमर कॉन्फिग किया प्रोड्यूसर कॉन्फिग हुआ, प्रोड्यूसर काफा प्रोड्यूसर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे सेंड कर दे रहे हैं, बाकी प्रोड्यूसर को बंद कर देते हैं, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय एंड टेक केयर। अभी यार सीक्वल का एक वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर अगले बार अगले कल से यार थोड़ा सा कुछ करेंगे, यहाँ पे पहले इसको बंद करता हूँ, कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यार, लाइट रोशनी आ रही, क्या करने वाले हैं, एंगुलर कंटिन्यू करेंगे, रिएक्ट कंटिन्यू करेंगे, और ये दोनों करने वाले थोड़ा बहुत, और डीएसए भी फोकस करेंगे, अगले वीडियो में मिलता हूँ।